गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास 11 कॉमर्स सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी, चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड द पर्पस ऑफ बिजनेस। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग विद द लेक्चर नंबर 4.2। इन दिस 4.2 वी विल कवर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। इन दिस टॉपिक वी विल कवर फर्दर कॉन्सेप्ट एज सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज, as we have completed earlier a primary activity. Primary activity we have seen extractive and genetic activities, and today we will start our concept as secondary industry. In secondary industry, it is mentioned over here, secondary industries includes all those activities which are connected with using the materials which have already been extracted at the primary stage. This industry process such materials to produce goods for final consumption or for further processing by other industrial units. Secondary industry वो industry है जिसमें हम लोग extracted raw material आते हैं factories में, और फैक्ट्रीज में वो रॉ मटेरियल को हम लोग फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं और कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री। मे बी सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर दूसरे सारे प्रोडक्ट्स के लिए भी या प्रोसेसिंग के लिए भी हम लोग वो प्रोडक्ट को आगे पहुंचाते हैं। अगर हम लोग सेकेंडरी इंडस्ट्री की बात करते हैं तो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, डिवीजन है, और डिवीजन के बेस पर भी आपको वर्क दिया जाता है। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री को अगर हम लोग एग्जाम्पल में लेते हैं तो शुगर गेन इज द प्रोसेस इन प्राइमरी इंडस्ट्री, बट शुगर इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग शुगर गेन एज रॉ मटेरियल इन सेकेंडरी इंडस्ट्री। सिंपल सा लॉजिक है कि शुगर गेन जो होता है वो खेतों में होता है या एग्रीकल्चर फील्ड पे होता है, तो एग्रीकल्चर फील्ड जो है वो प्राइमरी इंडस्ट्री है, वहाँ से हम लोग शुगर गेन लेकर आते हैं, उसको क्रश करते हैं। तो क्रश करने के लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ती है, इंडस्ट्री की जरूरत पड़ती है, तो ये सारा काम जो है वो सेकेंडरी इंडस्ट्री करती है। व्हाट दे डू, दे क्रश, आफ्टर क्रशिंग द जूस इज अपीयर्ड, द जूस हैज टू बी स्टोर्ड एंड लेटर ऑन इट हैज टू बी फिल्टर्ड सो दैट द शुगर विल बी प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी प्रोडक्शन। सो अल्टीमेटली शुगर बनाने के लिए वो वेरियस प्रोसेस से आगे बढ़ते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है सेकेंडरी इंडस्ट्री के लिए। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करती है, जो रॉ मटेरियल है उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का काम करती है, इसलिए वो सेकेंडरी इंडस्ट्री है। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज आर फर्दरली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, वन इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट एनालिटिकल इंडस्ट्री, सेकेंड सिंथेटिकल इंडस्ट्री, थर्ड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फोर्थ असेंबलिंग इंडस्ट्री। ये 4 इंडस्ट्री के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग टाइटल के नीचे। एंड द सेकेंडरी इंडस्ट्री इज हैविंग अ सेकेंड पार्ट इज नोन एज कंस्ट्रक्टिंग इंडस्ट्री। अब कंस्ट्रक्टिंग इंडस्ट्री क्या है वो भी हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हियर? इन सेकेंडरी इंडस्ट्री द फर्स्ट थिंग वी आर स्टडीइंग अबाउट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। It includes all those industries which are engaged in processing of raw material to produce final goods. Manufacturing industry वो industry है जिसमें processing का work होता है raw material से लेके finish goods तक का। It is a journey from raw material to finish goods. पूरा process वो चलाते हैं, जैसे sugar cane का example हमने लिया था। Sugar cane is coming in the factory. It is as a raw material. Then they are doing the crushing process, then making juice, and then making jaggery, and then they are converting into sugar. It is considered as finished goods. So ultimately, manufacturing industry looks out for the processing from raw material to finished goods. They create form utility by changing the form of raw material. Raw material ka jo form hai, usko convert kiya jata hai, usko divide kiya jata hai. Agar milk ka example le, तो मिल्क जो है वो कैटल इंडस्ट्री से आता है, लेकिन कैटल इंडस्ट्री जो है वो भी एक तरह का आपका जेनेटिक इंडस्ट्री है। जेनेटिक इंडस्ट्री से जब मिल्क आता है तो मिल्क से हम लोग वेरियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो जो वेरियस प्रोडक्ट जो है वो फिनिश गुड्स हैं।
तो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट्स में मेंशन किया ही है ऑब्टेनिंग फ्रॉम एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक इंडस्ट्री इनटू फिनिश प्रोडक्ट, हम उसको फाइनली प्रोडक्ट कन्वर्ट करके ही देते हैं। यहाँ पे एक और एग्जांपल है कॉटन रिलेटेड। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मेक्स यूज ऑफ कॉटन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। कॉटन जो है वो नॉर्मली खेतों में प्रोड्यूस किया जाता है या एग्रीकल्चर फील्ड में प्रोड्यूस किया जाता है। उस कॉटन को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करने के बाद में कंपनी में पहुंचाते हैं। व्हाट कंपनी विल डू, दे यूज दिस कॉटन टू मेक थ्रेड और क्लॉथ एंड देन दे सेल आउट टू द मार्केट। सो ये है सेकेंडरी का वर्क, रॉ फिनिश रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, ये उनका मेन प्रोसेस है। सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर पहला पार्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एनालिटिकल इंडस्ट्री। अब एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या है? एनालिटिकल का मीनिंग ही होता है एनालिसिस। सो व्हाट काइंड ऑफ एनालिसिस दे आर डूइंग, जस्ट इमेजिन इमेजिन दैट दिस इमेज इज अबाउट टेस्टिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स। खाली एक ऐसा एज्यूम कर लो तो उस बेस पे ये पॉइंट भी आपको समझ में आ जाएगा। In this industry, the basic raw material are analyzed and separate into different finished goods. एक specific raw material है, उसको वो test करते हैं और test करने के बाद में अलग अलग जगहों से या अलग अलग production करके उसको separate किया जाता है। सबसे अच्छा example अगर यहाँ पर है तो वो है crude oil। Crude oil जो होता है वो एक raw material होता है। वो raw material को हम लोग वेरियस प्रोसेसेस के थ्रू या वेरियस रिफाइनरीज के थ्रू उसको कन्वर्ट करते हैं पेट्रोल में, डीजल में, कैरोसिन में और डिफरेंट डिफरेंट वेरियस में हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं। और ये कन्वर्जन करने के बाद में उसका इस्तेमाल भी करते हैं एज अ फिनिश गुड्स। एनालिटिकल के अंदर होता है एनालिसिस एंड सेपरेशन ऑफ डिफरेंट फिनिश गुड्स। एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल है, उस रॉ मटेरियल को सेपरेट किया जाता है और उससे अलग अलग प्रोडक्ट हम लोग क्रिएट करते हैं। मिल्क का ही एग्जांपल हम ले सकते हैं, मिल्क से हम लोग डेयरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो डेयरी प्रोडक्ट्स सिर्फ एक ही टाइप का नहीं है, कितने वेरिएंट्स आते हैं लेकिन वो मिल्क से ही बनते हैं। तो ये एक एग्जांपल भी एनालिटिकल इंडस्ट्री के लिए हो सकता है। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट सिंथेटिकल इंडस्ट्री। सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज कुछ इस तरह से मैंने एक एग्जांपल दिया है, वेयर a raw material is being converted to finished goods as thread or we can go with the cloth also. In this industry, two or more raw materials are combined together in manufacturing process to make the finished goods. अब मैं thread का example इसलिए यहाँ पे रख चुका हूँ या image इसलिए रखा हूँ कि मैं आपको बता सकता हूँ कि thread जो होता है वो ultimately cotton से बनता है। तो cotton का जो अगर color आप देखोगे तो white होता है, बट आप इस इमेज के अंदर चेक कर सकते हो कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी आपको दिख रहे हैं। तो दो अलग अलग रॉ मटेरियल हो गया, एक थ्रेड जो है वो कॉटन से प्रोड्यूस हुआ है और जो डाई है या कलर जो है वो दूसरे प्रोडक्ट से बना हुआ है। तो दोनों को कंबाइंड किया गया है और कंबाइंड करने के बाद में एक नया वेरियंट क्रिएट हो गया, इसलिए इस टाइटल को बोलते हैं सिंथेटिक इंडस्ट्री। यहाँ पे एक और एक एग्जाम्पल है, वेरियस केमिकल्स आर मिक्स टूगेदर टू मैन्युफैक्चर सीमेंट। मैन्युफैक्चर सीमेंट, सीमेंट बनाने के लिए भी अलग अलग केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है और उससे सीमेंट क्रिएट की जाती है। लेकिन बेटर एग्जांपल अगर मैं आपको दे सकता हूँ तो वो है कॉटन का। कॉटन के अंदर एक तो वाइट कलर होता है लेकिन जब आप थ्रेड यूज करते हैं तो वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट अलग टाइप का आपको कलर में दिखाई देता है। तो कलर्स एंड कॉटन दोनों को मिक्स किया जाता है और फिनिश गुड्स में उसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये एक प्रोसेस के थ्रू चलता है, इसलिए इसको सिंथेटिक इंडस्ट्री हम कहते हैं। नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अब प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या है? नॉर्मली यू आर वेरी मच इन टू द वर्ल्ड वेर यू यूज जंक फूड। जंक फूड बनने से पहले का प्रोसेस जो है वो कैसे बनता है या पैकेट फूड कैसे बनता है, वो सारी चीज़ों का एक एनालिसिस कुछ इस तरह से है। कंपनी है, कंपनी के अंदर ये जो नीचे ब्रैकेट्स में कुछ आपको ब्राउनिश दिखता है तो ये ब्राउनिश टर्म जो है वो आपके चिप्स है। What they do, they go with the various process. They start with the slicing of potato and then making into bake, and after making bake, they go to the packaging level
In that packaging level, they check every product. It is considered as processing. In this industry, a product passes through various stages to become a finished goods. Simple सा है. यहाँ पर different different levels पे उसको check किया जाता है, analysis की जाती है और उसको फिर बाद में आप तक पहुँचाया जाता है. एक example यहाँ पे sugar cane industry है, जिसका example मैंने earlier ही कहा था, लेकिन वापस कह देता हूँ. Sugar cane से शुरू होता है उसकी journey as a raw material, फिर वो एक process पे जाता है जहाँ पे उसको crush किया जाता है, फिर वो next process में जाता है जहाँ पे वो juice में convert हो चुका होता है, और फिर वो जूस से उसको हम लोग जॉर्गरी में कन्वर्ट करते हैं, और जॉर्गरी से फिर बाद में उसको ब्रेक डाउन किया जाता है, वेरियस फिल्टर की जाती है, और उस फिल्ट्रेशन से उसको शुगर में कन्वर्ट किया जाता है. पेपर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री इज कमिंग फ्रॉम द ट्रीज इटसेल्फ. ट्री की जो स्टीम होती है उसका इस्तेमाल करके पेपर बनाया जाता है. ये तो आप लोगों को फोर्थ स्टैंडर्ड से बताया जाता है. सो दिस काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज आर कंसिडर्ड एज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. Let's go with the another process. Another process is assembling industry. अब assembling तो किस किस चीज की होती है? कार की होती है, मोबाइल्स की होती है, लैपटॉप्स की होती है. हर एक वेरिएंट जो आप यूज करते हो वो कहीं ना कहीं assembled जरूर होता है. इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में मैक्सिमम टाइम assembling का वर्क होता है, जिसमें आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हो. तो लेट्स सी दिस इमेज. यू विल बी वेरी मच अंडरस्टैंडिंग विद दिस इमेज दैट mobile phone are being assembled by the technician. These technicians are working very hard to make an assemble of raw material. Different raw materials are bought from different resources. They club it together and sell it in the market. It is considered as assembly. इसके अलावा कार का example ले सकते हो. कांच जो होता है कार का वो बाहर से आता है, उसका पतरा जो होता है, उसका जो design होता है वो अलग जगह से आता है, उसका टायर जो है वो अलग जगह से आता है. वो सब चीजों को वो असेंबल्ड करते हैं, उसको फिर बाद में कलर करते हैं, और कलर करने के बाद मार्केट में बेचते हैं. तो यही है एक असेंबलिंग इंडस्ट्री. इन दिस इंडस्ट्री डिफरेंट कंपोनेंट्स आर असेंबल्ड टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट. डिफरेंट प्रोडक्ट्स को लेकर आगे एक नया प्रोडक्ट जनरेट करना, इसको कहते हैं असेंबलिंग. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मैंने अभी ही कार का एग्जाम्पल दिया. टेलीविजन इंडस्ट्री, मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक्स में डिफरेंट चीज को लाकर हम लोग क्लब करते हैं. तो यही है आपका असेंबली. तो वी हैव सीन फोर पॉइंट ओवर हियर. चारों के चारों पॉइंट अलग अलग है, लेकिन एक ही पर्टिकुलर इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, वो है मैन्युफैक्चरिंग. नाउ वी आर सीइंग अबाउट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्या आता है? मेकिंग रोड्स, बिल्डिंग्स, व्हाटएवर द कंस्ट्रक्शन पार्ट इज देयर, इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉमन पीपल. हियर आई हैव एन इमेज ऑफ बिल्डिंग. So let's see what it is exactly. It includes all those industries which are engaged in construction activity. You can build a bridge also, you can build a dams also, buildings, roads, railway tracks, everything is considered in construction industry. You are doing development. Development, what kind of development? You are developing your country. That's it. Construction ka maksad yahan par ek hi cheez hai. कि आप जितना ज्यादा कंस्ट्रक्शन करोगे रोड, डैम्स एंड बिल्डिंग्स का, उतना ज्यादा आपका कंट्री ग्रोथ की तरफ बढ़ेगा. तो यहाँ पर हम लोग ग्रोथ की बात तो नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो टर्म है वो इकोनॉमिक के रिलेटेड होता है, लेकिन हम लोग उसको लिंक लेके चल रहे हैं कि यहाँ पर इकोनॉमी भी किस तरह से वर्क करती है. सो एज आई से दैट द कॉन्सेप्ट वॉट एवर द कंस्ट्रक्शन इज, कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व ऑल दोज थिंग्स which are been useful for the economy. और ये architecture work करता कौन है या इसको बनाते कौन है? Engineers and architectures are the important part of construction industry. Engineer decide करता है कि product को कैसे बनाना है, कब बनाना है, और इसका use कैसे करना है. ये है second industry का second part, construction. इसके अंदर cements कितनी चाहिए, विभाग में bricks कितनी चाहिए, workers कितने चाहिए, ये सब कुछ analyze की जाती है. So we are going with the third term considered as tertiary industry. As you have already studied that tertiary means second services. So let's begin with the term again. Tertiary industry includes all those activities which are concerned with providing support services to primary and secondary industry, as well as activity related to trade. It is known as service industry.
ट्रेड मतलब क्या होता है, ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो टर्शियरी इंडस्ट्री जो है वो ऐसी इंडस्ट्री है जो सपोर्ट का काम करती है प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री की। प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं विद द रिलेशन ऑफ सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर। इट इज कंसिडर्ड एज सर्विस इंडस्ट्री। टर्शियरी इंडस्ट्री को हम सर्विस इंडस्ट्री भी कह सकते हैं। यहाँ पे एक फैसिलिटी की बात की गई, इट प्रोवाइड सर्विसेज फैसिलिटी लाइक ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वर्किंग, वेयरहाउस, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। ये जितने भी प्रोसेस है ये जो प्रोसेस आपको दिया हुआ है, ये सारे प्रोसेस जो है अल्टीमेटली टर्शियरी एक्टिविटी में या टर्शियरी इंडस्ट्रीज के अंदर आता है। टर्शियरी इंडस्ट्रीज ट्राइज टू रिमूव द हैंड्रेंस और ऑब्स्टेकल्स विच अराइज ड्यू टू प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो हैंड्रेंस है वो हैंड्रेंस का वर्ड होता है रुकावटें, या उसको हम ऐसा कह सकते हैं जिसकी वजह से हमारा सारा काम डिले हो रहा है। द वर्ड हैंड्रेंस मीन्स डिले, और मेकिंग एन ऑब्स्टेकल या हर्डल, उस हर्डल को हटा दिया जाता है टर्शियरी इंडस्ट्री के थ्रू। टर्शियरी इंडस्ट्री के अंदर बेटर कम्युनिकेशन होती है, बैंकिंग होती है, इंश्योरेंस होता है, वेयरहाउस प्रोसेस होती है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, जिससे आपका प्रोडक्ट तुरंत या ऑन टाइम पहुंच जाता है और उसको हम लोग कस्टमर्स को बेच सकते हैं। सो टर्शियरी पार्ट इज ऑल्सो बीन ओवर हियर एज वी हैव सीन टूडे। सेकेंडरी इंडस्ट्री इन दैट वी हैव सीन मैन्युफैक्चरिंग। इन मैन्युफैक्चरिंग वी हैव सीन फोर डिफरेंट इंडस्ट्रीज, एंड देन वी हैव सीन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एंड लास्ट टर्शियरी इंडस्ट्री। टुडे वी हैव कंप्लीटेड वन मोर टॉपिक रिलेटेड टू बिजनेस स्टडी। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक एज वी विल स्टडी अबाउट ट्रेड एंड व्हाट इज एज टू ट्रेड इन डिटेल। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।